एडीएम और सिटी एडिशनल एसपी निरीक्षण के लिए पहुंचे देशमुख हॉस्पिटल। अंतिम चेतावनी देते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह द्वारा समाज के दुश्मनों को फटकार लगाते हुए हॉस्पिटल प्रबंधक को भी बोला नियम का पालन करें। सुबह 6 बजे से जिला प्रशासन एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी पुलिस प्रशासन से सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ लगातार गली मोहल्ले सड़क चौराहे पर दिखाई दे रहे हैं और समाज के दुश्मनों के ऊपर कार्यवाही भी उनकी टीम द्वारा की जा रही है। आज सुबह अचानक एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह इंजेक्शन की कालाबाजारी में देशमुख के कर्मचारी पकड़ आए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर उपस्थित कोरोना वायरस मरीज के परिजन से चर्चाएं की और उनकी समस्या का समाधान भी तुरंत एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। नियम के विरुद्ध जाने पर हॉस्पिटल प्रबंधक को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा अंतिम चेतावनी देते हुए फटकार भी लगाए। अगली बार मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कार्रवाई की जाएगी, अब ऐसी गलती नहीं हो वरना कार्रवाई करने में मजबूर हो जाएंगे। दोनों अधिकारी कोरोना वायरस मरीजों से भी चर्चा की और उनकी समस्या का समाधान किया। देखिए, ये हमारा निरीक्षण को आकस्मिक नहीं है, एक ये रेगुलर निरीक्षण है। इसमें हम निरीक्षण करके देखते हैं, मरीज के परिजनों से बात करते हैं, बात करने के बाद उसकी समस्याओं को जानते हैं, अस्पताल प्रबंधन से उनकी समस्याओं के बारे में नोट करते हैं और उसके बाद उसका समुचित हम लोग निराकरण करते हैं। ये पुलिस में एडिशनल एसपी और हम समय समय पर इस तरह के निरीक्षण करते रहते हैं ताकि आमजन का ढाढ़स बंधा रहे और आमजन को विश्वास रहे और इसके कि उनके साथ कोई है, और साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन भी इस दिशा में अलर्ट रहे, संवेदनशील बनता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों के निरीक्षण लगातार चल रहे हैं। आपके द्वारा सड़क पर दिखाई दे रहे हैं आप और आपकी टीम, किस प्रकार का संदेश और हॉस्पिटलों में भी निरीक्षण किया जा रहा है, क्या है प्रॉब्लम? अभी जिस प्रकार से कालाबाजारी की कुछ शिकायतें आई थी उसको लेकर के पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और जन पुलिस के द्वारा अभी जगह जगह जाकर भी ये चेक किया जा रहा है कि जो उनका सही उपयोग जिन मरीजों को लगना चाहिए उनको लग रहा है कि नहीं, जो अलॉटमेंट हुआ है उनके अनुसार एडीएम साहब के साथ में ये जाकर के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। साथ में कहीं किसी पेशेंट को, अटेंडर को या अन्य कोई किसी मरीज को और कोई समस्या तो नहीं है, इन बातों पर भी ध्यान रखा जा रहा है, कहीं कोई मुनाफा वसूली ना हो किसी ड्रग्स की, इस बात की भी बारीकी से गोपनीय रूप से भी निगाह रखी जा रही है और जो दोषी है उन पर काफ़ी दृढ़ कार्रवाई भी की जा रही है। अभी इसमें कुछ इसमें इन्वॉल्व लोग मिले थे, उनकी पहचान की गई, उनके ऊपर न केवल उसमें FIR दर्ज की गई बल्कि उनके NSA के तहत भी कार्रवाई की गई है। सर, पुलिस वाले भी संक्रमित होते चले जा रहे हैं, इनके लिए क्या संदेश? बेसिकली उज्जैन में जो पुलिस के लोग हैं उनके संक्रमण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाई गई है। इसमें हमारी हेल्प डेस्क भी है जो लगातार हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात करती है, अगर कहीं कोई बीमार होता है तो उनको हम घर में आइसोलेट करते हैं, या एक पुलिस विभाग के लिए पूरा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जिनके मान लो कोई अकेले रहते हैं उनके लिए भैरूगढ़ का जो हमारा पुलिस का वो है बैरेग है उसको एक क्वारंटीन सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है। अब तक लगभग अभी केवल एक ही पेशेंट हमारे जो कर्मी हैं जो विभिन्न अस्पतालों में एडमिट हैं और उनकी स्थिति मतलब स्टेबल है, बाकी अधिकांश करीब 55 लोग ऐसे हैं जो अभी होम क्वारंटाइन है, सभी लोगों की स्वास्थ्य बेहतर है। जनता के लिए क्या? अभी चूंकि ये जो वेव है ये बहुत ही खतरनाक और घातक वेव है और इसके बचने के लिए हमें इसकी जो चेन है उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, उसके लिए सभी लोग अपने घर में ही रहें, ज़रूरी ना हो तो कतई भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी तमाम प्रकार की जो चीज़ें आने की इसके जो संक्रमण है जो इसकी मतलब एक दूसरे से फैलने की दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें बचने के लिए यही है कि हम लोग अपने घरों में रहें और इस पूरी चेन को ब्रेक करें।